तना थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एंड अवर यू नो अनलिटेड यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर्स यू नो मैंने देखा अभी एटी सेवन परसेंट देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं विच इज वेरी बैड बट यू नो ठीक है समय लो है न देखो एक वीडियो देखो दो वीडियो देखो देखते रहो लेकिन मजा आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर लो राइट राइट सना को और मजा आएगा मेरे को और मजा आएगा रिकॉर्ड करने में राइट कि yes, नहीं भाई परिवार बढ़ रहा है yes. क्योंकि हर आदमी किसके लिए मेहनत करता है कि परिवार बड़ा हो खुश हो है ना तो आखिरकार आज मैंने बोल ही दिया कि भाई करो सब्सक्राइब कर लो यार खत्म करो राइट है ना फिर कहोगे कि मुझे ये नहीं पता मुझे वो नहीं पता एग्जैक्टली राइट तो क्या कहती हूँ सना इसके बारे में बिल्कुल प्लीज सब्सक्राइब है ना चलो अब इनकी बात भी कर लेते हैं क्योंकि yes. जो सब्सक्राइब कर रखा है वो तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जैक्टली बताइए सो क्वेश्चन इज फ्रॉम हर्ष चौधरी इज आस्किंग सर इन द लास्ट पॉडकास्ट कमांडर सर हैज डन हिज सीपीएल फ्रॉम फिलीपींस सो कैन वी गो फॉर सीपीएल इन फिलीपींस प्लीज गाइड सो चौधरी साहब बहुत ही बढ़िया सवाल है और इट्स नॉट अबाउट फिलीपींस अबाउट एनी कंट्री एक चीज सबसे पहले समझ लो ना बहुत सारे लोगों को एक वो आर्टिकल है गूगल पे कि यू कैन बिकम अ पायलट विद इन टेन टू ट्वेल्व लैक्स हाँ जो कि क्या सफेद झूठ है राइट right. अब वो गूगल ने क्या ज्यादा पढ़ लिया लोगों ने तो गूगल को लगता है कि ये सही है right. गूगल कैसे रैंक कराता है कि भाई इंफॉर्मेशन देख रहे हैं इसको कौन देख रहे हैं तो वो ट्रेंडिंग बन जाती है लेकिन वो आर्टिकल गलत है हुँ. आप फिलिपीन से 10 से 12 लाख में फिलिपींस तो क्या चांद पे भी चले जाओ ना तो भी आपको 10 से 12 लाख रुपए में सीपीएल नहीं मिल सकता है फ्लाइंग कॉस्ट सिमिलर होती है सिर्फ लिविंग कॉस्ट हमारी ठीक है वहां पे काम चल जाएगा ओके okay. तो किसी भी कंट्री या किसी भी फ्लाइंग क्लब में जाने से पहले आप एक दिन डीजीसी विजिट करें उनका विजिटिंग डे एंड आवर्स होते हैं यू कॉल द डीजीसी एंड विजिट देम डी में जाओ एक डिपार्टमेंट होता है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग आप उनसे पूछो कि मैं इस फ्लाइंग क्लब में जा रहा हूँ ये फिलीपींस में है अर्जेंटीना में है या साउथ अफ्रीका में है कोई आपको दिक्कत तो तो नहीं है डीटीएल को कैसे कर सकते हैं कि आप तो वो हैं। आपको विजिट करना पड़ेगा इतनी आसानी से हाथ नहीं आता कोई भी राइट सो बिकॉज उनके पास पहले ही बहुत सारा काम है hmm. वो जो पायलट हैं उनको देखें या फिर तुम बनने जा रहे हो भी तुम्हें पता ही नहीं क्या कर रहे जीवन में तो यू आर दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यू राइट बट यू कैन रिक्वेस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कि मुझे बात करनी है फोन कर लो okay. कोई ना कोई सोर्स निकल आता है यार हैं तो सारे हिंदुस्तान से ही डीजीसीए में right. किसी और देश के लोग थोड़ी है राइट right. right, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्ट निकालो विजिट करो और वहां से पता करके जाओ क्योंकि सबसे अपडेटेड लिस्ट उन्हीं के पास मिलेगी दयाद अथॉरिटी सो दिस इज देश आंसर आई वुड से नॉट ओनली फिलिपीन साउथ अफ्रीका इंडिया और चलो इंडिया का तो डीजीसी की लिस्ट मिल जाती है किसी भी कंट्री के किसी भी फ्लाइंग क्लब में जाओ अगर आपको डीजीसी कहता है कि सब कुछ ठीक है तो जाओ कर गया आज कोई दिक्कत नहीं कैप्टन इज इट क्लियर फॉर यू ऑलराइट थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो